हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे राज ट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के साथ आया हूँ एक एप्लीकेशन को लेकर जो अब बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस, देर नहीं करते, चलो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको सेटिंग करनी होगी स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन के अंदर लिया जाएगा। तो आपको फर्स्ट में आप सेटिंग पे जाके जो ऑप्शन फर्स्ट आपका दिख रहा है आपको इनेबल स्विफ्ट के, तो इसको आपको जाके इनेबल करना होता है। इनेबल करने के बाद आपको सेकंड पूछ रहा है कि सेलेक्ट स्विफ्ट की, जो आपका डिफॉल्ट है उससे आपको चेंज करके स्विफ्ट की कीबोर्ड आपको जो भी है उसको सेलेक्ट करना होता है। डिफॉल्ट आपको जो फ़ोन में दिया गया था वो है, इसको आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद कह रहा है गेट बेटर प्रेडिक्शन, इसके बाद आपको एंट्री मिलेगी एप्लीकेशन में। तो गाइज, यहाँ पे आपको ही बोला जाएगा साइन इन करने के लिए, तो आप चाहोगे तो साइन अप या साइन इन कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप कस्टम यूज़ करना चाहते हो, अगर आप अपने कीबोर्ड में फ़ोटो लगाना चाहते हो, अपनी पिक्स लगाना चाह रहे हो, या फिर आप अलग अलग थीम्स यूज़ करना चाहोगे, तो उसके लिए आपको अकाउंट इसमें क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मेरा तो अकाउंट क्रिएटेड है, इसलिए इसमें साइन इन करने के लिए बोला जा रहा है मुझे, ताकि इससे होता है कि जो भी आपने पहले यूज़ करा होगा ना, वो सारा बैकअप आपको मिलता रहेगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर कोई फ्यूचर आपको जो एप्लीकेशन वो डिलीट हो भी जाए तो। फिलहाल मैं भी यहाँ से नोट नाउ करता हूँ, हालांकि अभी इसको ज़रूरत है, साइन इन करना पड़ेगा अंदर, तो आपका कीबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, आपको वहाँ पे लाया जाएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है लैंग्वेज का। आपको यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर लेना है। बेसिकली हम यहाँ पर हिंदी के लिए आएँ, तो मैं यहाँ पर से हिंदी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर पहले से इंग्लिश UK सेलेक्टेड होगा। आपको यहाँ से नीचे गाइस मिल जाएगा ऑल लैंग्वेजेस का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हिंदी शो नहीं कर रहा। ऑल लैंग्वेजेस पे आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे और भी सारे लैंग्वेजेस मिल जाएंगे। तो अभी मैं कितना नीचे जाऊँ इसलिए मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ हिंदी। यहाँ पे आ गया गाइस हिंदी। फोनेटिक है ये, इसको आप डाउनलोड करना पड़ेगा। जब इसको आप डाउनलोड करोगे तो काफ़ी कम एमबी का होता है, तुरंत डाउनलोड हो जाता है। तो इसको हम जब तक डाउनलोड होने देते हैं गाइस, इसमें और भी सेटिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो गाइज ज़्यादा नहीं होगा, लंबा मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अगर वीडियो लंबी भी हो रही है तो गाइज आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। वो कहते हैं ना, थोड़ा मतलब आधे ज्ञान खतरनाक होता है, वही बात है गाइज। अगर आप थोड़ा सा जान लोगे, वीडियो स्किप कर दोगे, फिर आप बोलोगे कि हुआ नहीं है या फिर सही वर्क नहीं कर रहा। तो अभी ये डाउनलोड हो गया है और यहाँ से कह रहा है कि आपको चूज़ करना है किस तरह का आपको फॉन्ट, सॉरी किस तरह का आपको लेआउट चाहिए। तो मैं यहाँ से फर्स्ट वाला लेआउट मुझे पसंद है, मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट अभी कर लिया। अभी इसको मैं एरो डाउन करता हूँ एंड बाहर आते हैं। इसे बैक किया मैंने, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, हमारा सेटिंग हो गया। उसके बाद सेकंड पे आता है गाइस थीम का। आप यहाँ से थीम भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी आपको बहुत सारी लुक, अच्छी अच्छी लुक मिल जाएगी। यहाँ पे आप किसी भी तरह का आप अपना कीबोर्ड जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। तो दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको इंटरफेस, फिर मैं यहाँ से आपको ऑप्शन करके भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह के, ये सारे फ्री हैं, आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी पेड यहाँ पे नहीं है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप चेंज कर सकते हो। काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो चलो मैं फ़िलहाल कोई सभी एक यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल मुझे भी ब्लैक वाला ही चाहिए हो, क्योंकि मुझे आपको कुछ और भी इसमें सेटिंग्स दिखानी है। तो मैं इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। इस पे देखो गाइज, मैंने टैप करा तो मुझे कह रहा है साइन इन करना है। अगर आपको कोई भी थीम्स यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना ज़रूरी होगा। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे इसको साइन इन कर ले रहा हूँ। साइन इन यहाँ पे जब आप टैप करोगे तो आपको अकाउंट पूछेगा, आपका अकाउंट जो भी होगा आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, बस इसलिए मुझे साइन इन का ऑप्शन दिया गया, साइन अप नहीं करने वाला। अब ये आप देखोगे यहाँ पर डाउनलोडिंग जो आपका स्टार्ट हो जाएगा, और ये भी बहुत जल्द डाउनलोड हो जाता है। ये डाउनलोड हो गया गाइज। तो अभी आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस मिल जाता है कीबोर्ड का। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बता रहा है बेटर हिंदी प्रेडिक्शन। अगर आप हिंदी के बात को इंग्लिश में लिखते हो तो वो आपको हिंदी में कुछ इस तरह से दिखाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये दिखा रहा है, मैं इसको भी एरो डाउन करता हूँ। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको जो योर्स दिखा रहा है, जो भी आपने यहाँ पे डाउनलोड करा होगा वो शो करता है इस सेक्शन में। एंड थर्ड सेक्शन आपका कस्टम
मैं अब आपको बताऊंगा क्या करना होता है गाइस। फिलहाल मैं भी इसको थर्ड ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका है रिसाइज करने का, कीबोर्ड का आप रिसाइज कैसे करोगे, आई मीन जो भी कीबोर्ड का साइज़ है उसको आप सेलेक्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग, आपको किस तरह का चाहिए नहीं चाहिए वो आप कर लो। फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ी सी बड़ी रहे तो अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप फास्ट टाइपिंग करते हो ना तो उस टाइम दिक्कत होता है कि ये कि अगर आप बटन प्रेस करें कोई और हो जाता है कभी कभी कोई और, तो थोड़ा सा क्लियर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसके ऊपर आप देखोगे नंबर रो भी शो नहीं कर रहा, तो ये नंबर रो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है। तो मुझे नंबर रो नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बस यहाँ पे आप टैप करोगे नंबर रो पे, तो ये देखो आपको यहाँ पे इस सेक्शन में आपको फर्स्ट में टॉप पे नंबर रो आ गया, तो मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको अभी ऑफ कर दिया है। अब यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो भी था सारा सेक्स डन हो गया, इंस्टॉलेशन जो भी इंस्टॉल करना था। अब इसको एग्री करके आप आगे बढ़ोगे, आगे आए आपको फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो गाइस तो कुछ ऐसा ही शो करेगा। अभी आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, टाइपिंग आपका क्या था, आपने क्या क्या यूज़ करा, कितने कितने टाइप्स करे हैं, बटन वो सारे वहाँ पे शो करेगा। इमोजी भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे लुक्स के मिल जाते हैं आपको। इमोजी का भी प्रेडिक्शन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल रहा है कि आप बोलने वाला भी यूज़ कर सकते हो, आई मीन माइक। माइक यहाँ से ऑटोमेटिक इनेबल होता है अगर आप कुछ वर्ड सर्च करते हो, तो वो सर्च कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे सर्च इंजन में विंग सेलेक्ट रहता है, मैं इसको यहाँ से गूगल कर देता हूँ। गूगल मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद है लेआउट ऑफ कीज। अगर आपको फ्यूचर में कभी और चेंज करना होगा अपना कीबोर्ड का साइज़, तो आप लेआउट एंड कीज में आना, आप यहाँ से रिसाइज का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप यहाँ से रिसाइज इसको फिर से कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसा आप करना चाहो। तो मैंने अभी इसको कर लिया डन, यहाँ से ओके मैं इसको वापस जाता हूँ। और यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं, यहाँ पे आपको फिर से नंबर रो का ऑप्शन मिल जाता है, आप अगर नंबर रो लेना चाहो तो भी आप ले सकते हो। अभी गाइस यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, जो भी आप यहाँ पे अगर आप नंबर लिखते हो ऐसे में, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये फर्स्ट में शो कर रहा है, फर्स्ट रो में इस तरह से नंबर आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा जमता ही नहीं गाइस, इसलिए मैं यहाँ से नंबर का जो पैटर्न है वो चेंज कर लेता हूँ। लेआउट यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है, टॉप रो है, लेफ्ट नंबर पैड है, राइट नंबर पैड है, मैं लेफ्ट नंबर पैड यूज़ करता हूँ ज़्यादा, तो यहाँ से लेफ्ट नंबर पैड आप यूज़ कर लोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से यहाँ पे आ जाता है, तो ये ज़्यादा बेटर होता है टाइप करने में। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपका एरो कीज। आप जब भी कुछ यहाँ पे टाइप करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर ले रहा हूँ, आपने यहाँ पे टाइप करा और आपको अगर यहाँ पे जाना है F के पास, तो आप इस तरह से टाइप कर दबाते रह जाते हो, प्रेस करते रहते हो, लेकिन फिर भी हो नहीं पाता, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये बना रखा है। यहाँ पे एक एरो कीज़ है, आप अगर एरो कीज़ को इनेबल करोगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, उस एरो कीज़ के जरिए आप वहाँ पे इसको कर्सर को मूव कर सकते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन किसी तरह से कर सकते हो। इसको आप यहाँ से इनेबल कर दो, इनेबल करोगे आपको नीचे में दिख रहा होगा ये, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारे रोज आ गए। तो अभी मैं यहाँ पे F के पास जाना चाहता हूँ, तो मैं F के पास जाने के लिए लेफ्ट का यूज़ करूँगा यहाँ पे, जिस तरह से ये देखो गाइस मैं लेफ्ट के पास आ गया। अगर आपको यहाँ पे एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट करके F के जगह G लिख दिया, या फिर कुछ भी, मतलब इस तरह से आप कर्सर को अपने कंट्रोल कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है, मुझे ये भी अच्छा लगा। और आप जब भी कोई चीज़ बटन को दबाओगे तो उसका जो उसके अंदर सिंबल है वो कितने देर के बाद शो होना चाहिए वो यहाँ पे टाइमिंग आपको बता रहा है, तो 450 यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहता है, ये एक बैटर भी होता है। आप यहाँ पे जब भी प्रेस करोगे तो इसको प्रेस करने के बाद कुछ देर के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है गाइस, जो भी इस लेटर के अंदर सैम्पल होता है वो यहाँ पे आपको आसानी से आता है, आप उसको उतना ही रहने देना, उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये हो गया। उसके बाद गाइस और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है साउंड का, अगर आपको कीबोर्ड में साउंड चाहिए तो आप उसको इनेबल कर दो, और यहाँ से आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको किस तरह का साउंड प्रोफाइल चाहिए, तो मॉडर्न है, एंड्रॉयड है, ट्रेडिशनल है, ब्लीप है। मैं यहाँ से ब्लीप यूज़ करता हूँ एंड इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का इसका जो साउंड होता है वो आपको सुनाई देता है, इस तरह का साउंड आपको यहाँ पे सुनने को मिल जाएगा। उसके बाद आप अगर वाइब्रेट भी करना चाहते हैं तो इसको वाइब्रेट भी कर लेना, तो वो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड अगर आपको लैंग्वेजेस और भी इसमें ऐड करने हैं तो आप इसमें और भी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो यहाँ से, जैसे मान लो ये
कोई सा भी लैंग्वेज हो, जिससे मैं यहाँ से अरेबिक यूज़ कर लेता हूँ। अरेबिक, तो यहाँ से मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, ये भी डाउनलोड होगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा आपके स्क्रीन पर आके। तो ये भी डाउनलोड हो रहा है और हो गया, तो ये भी अभी आपके फ़ोन में आ जाएगा। एक्चुअली मुझे अरेबिक नहीं आता, बट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि आप इसमें एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे आप हिंदी भी ऐड है, इंग्लिश एंड अरेबिक दोनों, सभी तीनों के तीनों ऐड हो चुके हैं। आप इस तरह से इसको चेंज करके हिंदी इंग्लिश मतलब इसको आप जो भी यूज़ कर सकते हो यहाँ से। तो मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ अरेबिक को, बाकी सभी को रहने देता हूँ। ये काफ़ी अच्छा लगा एप्लीकेशन मुझे। आप यहाँ पे अगर इसको यूज़ करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। और इसमें आपको गेस्चर का ऑप्शन मिल जाता है। गेस्चर मीन्स गाइस आप उसको जैसे इस तरह से कर सकते हो, अगर मुझे लिखना हो यहाँ पे व्हाट तो मैं इस तरह से इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये व्हाट आ गया गाइस, व्हाट आर मतलब जो भी आप इस तरह से लिखना चाहो, कुछ भी गाइस, दिस दैट कुछ भी, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हो। एक मिनट, इस तरह से आप यहाँ से गैस, ये होता है गाइस गैस, आप इसका भी यूज इसमें कर सकते हो। मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ। दूसरा गाइस, आपको कीबोर्ड में जो फोटोज़ लगाने का वो बात था वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस यहाँ पे आपको चले जाना है थीम में। थीम्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है गैलरी पे आप थे फर्स्ट टाइम, फिर अभी आपको यहाँ पे मिलता है कस्टम का ऑप्शन। कस्टम पे जाने के बाद आपको स्टार्ट करना होता है, एंड स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको मिल जाता है पिक्स, आपको इसको सेलेक्ट करना होता है। जो कैमरा का आइकन आ रहा है यहाँ पे, इसको टैप करोगे आप। उसके बाद आपको लोकेशन चूज़ करना है कि आपको कहाँ से वीडियो चाहिए, सॉरी कहाँ से फ़ोटो आपको लेनी है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लो। मैं यहाँ से फ़िलहाल अभी एक कार्डबोर्ड है मेरे पास, मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको आप एडजस्ट कर लो कि आपको कैसे में चाहिए, पूरे फुल स्क्रीन में, जहाँ तक कीबोर्ड है वहाँ तक इसको एडजस्ट कर लो आप इस तरह से। ये कर लिया एंड इसको सेव कर, बट इसकी ब्राइटनेस आप देख रहे हो कि ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है, मैं इसका ब्राइटनेस थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ये यहाँ से इस तरह से इसको आप जैसे करोगे, ये इसका जो भी ऑपोसिटी होगा वो बढ़ जाता है। इसको यहाँ से कर दिया आपने, एंड ये अभी आपको इस तरह से शो कर रहा है। आप यहाँ पे अगर सिंबल चाहते हो तो आप सिंबल भी ऑन कर सकते हो यहाँ से, अगर आप नहीं चाहते तो उसको ऑफ ही रहने दो, एंड देन आप यहाँ से इसको सेव कर दो। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना पिक भी लगा सकते हो। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना होता है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है गाइस, सो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। गाइस मेक श्योर कि हमेशा जब भी आप कुछ चीज़ देखो तो उसको फुल्ली जानो, तभी ज़्यादा बेटर होता है। पूरी तरह से जान लेने ही अच्छा होता है। आपको हमें बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो भी बेटर है गाइस, मुझे जो अच्छा लगा मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यूजफुल है और इसकी काफ़ी रेटिंग भी अच्छी है। आप देख सकते हैं हमें 4.4 की रेटिंग है, एंड बहुत ही कम एम बी का होता है, शायद ये 5 या 6 MB का कुछ ऐसे ही था। आप एक बार देख लेना, मैंने इसको रेट भी कर रखा है, आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो आप चाहोगे गाइस तो यहाँ से आ इसको डाउनलोड कर लो, मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा, आप डिस्क्रिप्शन मत चेक करना। चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।